मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके और मैं जो डिश बनाऊँ उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बिल्कुल बेकरी जैसा यमी सा टेस्टी सा स्ट्रॉबेरी केक। और ये स्ट्रॉबेरी केक जो है ये मैं बेक करूँगी पतीली में। अगर आपके घर ओवन नहीं भी है तो ईजिली आप इसे पतीली में बिल्कुल मार्केट जैसा बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी जो है आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी केक का जो स्पंज है वो बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने चार अंडों की एग वाइट जो है मैंने ये ले ली है और चार अंडों का जो एग योक है वो मैंने अलग कर लिया है। जर्दियाँ चार अंडों की अलग हैं, सफ़ेदियाँ अलग हैं। सबसे पहले मैं सफ़ेदी को बीट करूँगी और इसे इतना बीट करूँगी ताकि एक अच्छा सा फोम बन जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इस स्टेज में जबकि मैंने सफ़ेदियों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है तो यहाँ पर आधी प्याली चीनियों का पाउडर जो है, चीनी का पाउडर मैंने आधी प्याली लिया हुआ है, इसे इसमें ऐड कर दूंगी और आधी चीनी इसमें ऐड करूंगी। इसमें ये पूरी ऐड ही कर देती हूँ, इसमें चीनी का पाउडर पूरा इसमें ऐड कर दिया है। चीनी जो है मैंने आधी प्याली इस कप से ली हुई है और मैदा भी मैं इसी कप से मेजरमेंट करूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको इतना बीट करूँगी ताकि अच्छा सा फोम बन जाए। यहाँ पे अंडों की सफेदियाँ जो है वो अच्छे से फूल चुकी हैं, यहाँ पे फ्लफी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो जर्दियाँ रखी हुई थी वो जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इनको सिर्फ एक से दो मिनट इतना बीट करूँगी ताकि सफेदियाँ और अंडे की जो जर्दियाँ हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। सो चुका है, अब मैं यहाँ पे इसमें मिलाऊंगी एसेंस। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी केक, तो मैं इसको एक अच्छा सा लाइट सा पिंक कलर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर लिया हुआ है तो इसके जो है फ्यू ड्रॉप्स मैं इसमें करने लगी हूँ ऐड। ठीक है, इसके चंद कतरे में ऐड कर दूंगी ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इसमें पिंक सा कलर आ जाए। साथ ही यहाँ पे वनीला एसेंस है, इसके भी मैं फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करूंगी। वनीला एसेंस में भी फ्यू ड्रॉप्स इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रॉबेरी एसेंस, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। चंद कतरे जो है इसके मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन ये मैंने आधी चाय के चम्मच के करीब इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अब मैं इसको थोड़ी देर जो है वो बीट करूँगी। विस्क का काम होता है ख़त्म और अब हम इसमें डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने इसी कप की जो मेजरमेंट से जिससे मैंने चीनी ऐड की थी उसी से जो है मैं इसमें मैदा जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मैदा जिसे मैंने पहले से दो दफ़ा अच्छी तरीके से छान लिया था। छानना बहुत ज़रूरी होता है मैदे को और अभी मैं फिर इसमें छान के इसमें ऐड करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर ले लिया था, ये ले लिया है। और अभी मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें जो है अच्छी तरीके से इसमें इस तरीके से ऐड कर देती हूँ और मैं यूँ क्लॉकिंग स्टाइल में इसको फोल्ड करके अच्छी तरीके से इसको बैटर में मिक्स कर लेती हूँ ताकि किसी भी किस्म की गुठलियाँ ना बने मैदे की इसमें। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने मेक श्योर कर लिया है कि कोई इसमें गुठली जो है मैदे के ना रहे। मैंने यहाँ पे गोल पेन ले लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है जो मैंने तैयार करके केक का रखा है ये पूरा इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है, कितना क्रीमी स्मूथी सा यहाँ पे केक का मिक्सचर जो है वो तैयार हुआ है। इसको जो है पूरा इसमें ऐड कर देती हूँ। बैटर जो मैंने इसमें डाल दिया है इसको टैप नहीं करना है क्योंकि इसमें बटर और ऑयल नहीं होता है तो केक बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पे स्टिक ले लिए, उससे क्या है बस मैं इसको इस तरीके से यूं यूं कर दूंगी तो ये जो है बैटर जो है वो सेटल हो जाएगा और एयर जो है इसकी सारी निकल जाएगी। तो इसको टैप नहीं करना है, बस इस तरीके से कर देना है। चलिए जी, यहीं पर काम हमारा होता है ख़त्म। और अब इसको मैं रखती हूँ पतीले में बेक होने। पतीले को जो है मैंने प्री हीट करने रख दिया था नमक उसकी लेयर्स में लगा के। चलिए फिर इसको रखते हैं पतीले में। मैंने इसको रख दिया है और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू स्लो पे रखा है। अब मैं आपको इसको कवर करके रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ केक जो है कितनी 15 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में या 20 मिनट लगते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। केक यहाँ पे बेक हो चुका है, ये केक बेक होने में लगे हैं यहाँ पे 20 से 22 मिनट्स लगे हैं इसे बेक होने में और बहुत ही अच्छा से यहाँ पे ये बेक हो चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल ठंडा करूँगी, उसके बाद आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। केक यहाँ पे ठंडा हो चुका है, ये
बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर, मैंने कहा चने जी इसको अब मैं डिश आउट कर ही लेती हूँ। तो अब मैं इसको इस प्लेट में जो है निकालती हूँ, फिर देखते हैं। कलर तो बहुत ही खूबसूरत पिंक पिंक सा, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा आया है कलर, ज़बरदस्त। बेक भी बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं जो है इसका बटर पेपर जो है इसको रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं इसके यहाँ पे दो हिस्से करूँगी, ये नाइफ इसकी हेल्प से मैं इसके टू पीसेस कर लेती हूँ केक के। मैंने यहाँ पे केक के जो है दो पार्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया हुआ है, जिसमें मैंने जो है चीनी एक चम्मच ऐड कर दी थी और उसे मैंने बिल्कुल इसमें डिजॉल्व कर लिया है। अब मैं इस स्पंज में जो है ये फ्रेश मिल्क अच्छी तरीके से डाल दूंगी, ताकि हमारे जो केक का जो मेरे ये जो केक का स्पंज है ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, और जब इसको मैं फ्रिज में रखूँ तो ये हार्ड ना हो। चलिए इसको मैं दोनों स्पंज को इसमें इसको डाल दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली हुई है, इसे मैंने व्हिप कर लिया है। मैं कौन सी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ और उसे किस तरीके से व्हिप करते हैं, ये तमाम जो है मैंने कंप्लीट इसका प्रोसीजर जो है कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, और मसारा किचन के चैनल पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। और ये क्रीम जो है यहाँ पे मैं इसमें लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग जेली ली हुई है, ये किस तरीके से घर में हम आसानी के साथ बना सकते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं मसारा किचन के ही चैनल पे बना के अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। मज़ेदार सा यमी सा स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।